अरे कोई घर पे है क्या? भाई साहब, बहन जी, पिताजी, माताजी, दादाजी, कोई घर पे है क्या? अंकल जी, अंदर आ जाओ, घर पर ही हूँ। भिक्षा देनी है तो दो, यूं गाली मत दो। गाली? मैंने तुम्हें गाली कब दी? आपने क्या बोला मुझे? कौन अंदर आ जाओ? अंकल, यही तो बात, आपकी ये बात अच्छी नहीं है। घर आए मेहमान की कोई यूं बेइज्जती करता है? ओहो, सॉरी सॉरी, मैंने ना आपको बिना देखे अंकल बोल दिया था। मेरा ध्यान ना मेकअप पर था। ओके ओके, आई विल मैनेज। आप तो इतनी गोरी चिट्टी हो, आप मेकअप क्यों करती हो? आपकी त्वचा देख के तो मेकअप भी शर्मा जाता होगा। थैंक यू। वैसे आप इंग्लिश भी जानते हो ना? वाह, एक बात बताइए, क्या सच में मैं इतनी सुंदर हूं? मैं सच्ची बोल रहा हूं, मैं मेरे मरे हुए माँ बाप की सौगंध खा के कहता हूँ, आप बहुत खूबसूरत हो। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी गुलाबो। अरे वाह वाह वाह, देखो आपके नाम में भी कितनी खुशबू है, गुलाब गुलाबो। आ स्वाद ही आ गया नाम सुन के। वैसे आप ना बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं? यहाँ आके बैठिए ना, बैठिए बैठिए। थैंक यू। आपने मेरा नाम तो पूछ लिया, मगर अपना नाम नहीं बताया। आपका क्या नाम है भिखारी जी? जी मेरा नाम है भिखारी मटरू बच्चन। जी, इसका मतलब आप उस बच्चन फैमिली से हो? जी, उनसे हमारा दूर का रिश्ता है अच्छा, कौन से वाला रिश्ता जी? जी। वो हमें नहीं जानते, हम उन्हें नहीं जानते। ओ वैसे आपसे एक बात पूछूं जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। आप इतनी सुंदर हो और सुशील हो, आपने इतनी कम उम्र में मुझे लगता है शादी कर ली। आपके हस्बैंड काम क्या करते हैं जी? जी, मेरे पति ना मरम्मत का काम करते हैं। ओहो, आपके दुखों की तो कोई सीमा ही नहीं रही होगी। मरम्मत का भी कोई काम होता है, थर्ड ग्रेड काम। अरे नहीं नहीं जी, काम चाहे कैसा भी हो, पर पैसे बहुत मिलते हैं। कितने मिलते हैं जी? एक महीने में कम से कम 20,000 रुपए तो वो कमाई लेते हैं। वाह इतने पैसे। वैसे आपको जान के खुशी होगी कि मैं तो ये भिखारी का काम साइड जॉब में करता हूँ, मेरा एक्चुअल में तो कुछ और ही काम है जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं जी फिल्में बनाता हूँ, फिल्मों का डायरेक्टर हूँ, यूट्यूब पे मेरी काफ़ी सारी अर्निंग है जी। आपको पता है मेरी ना बचपन से हीरोइन बनने की इच्छा है, पर क्या करूं, घर वालों ने ना मेरी शादी जल्दी करवा दी। अच्छा जी, ये तो बहुत बुरा किया जी, मैं तो पहले ही कह रहा था। मैं आपसे कह रहा था जी, मेरे पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, हाँ जी हाँ जी, एक हीरोइन की जरूरत है उसमें। तो फिर क्या मैं? अरे आप तो परफेक्ट हो जी, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम 100% जी। आपको एक्टिंग आती है? अरे रोइए मत जी, रोइए मत, एक्टिंग आती है आपको? मैंने तो आज तक एक्टिंग की नहीं, मुझे तो ABC भी नहीं मालूम कि एक्टिंग करते कैसे अरे मैं हैं। आपको ABCDEFGHWLILOVU सब सिखा दूंगा जी। सच्ची? जी आप जी मुझे सिखाएंगे ना? जी मैं सिखाऊं आपको एक्टिंग कैसे होती है? हाँ जी हाँ जी, 1 मिनट मैं टचअप कर लूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, अब सिखाइए। देखिए जी, सीन यूं है कि हीरो जो होता है वो बैठा है, हीरोइन आती है, हीरोइन आके उससे बोलती है आई लव यू। आप हीरोइन हो, आप मुझे वो हीरो समझ के बोलिए, जरा एक्टिंग करके दिखाइए। आई लव यू। आई लव यू टू जानी मन। आगे का सीन समझो,
आगे क्या होता है कि जैसे हीरो हीरोइन का यूं बांह पकड़ के और उसे धीरे से बोलता है वादियों में कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, उस दुनिया में ले जाऊंगा जहां कोई नहीं होगा हम दोनों के सिवा। अच्छा रहेगा ये सीन? बहुत अच्छा सीन है। वैसे ये सीन कहाँ शूट करेंगे? जी ये हम जंगल में शूट करेंगे, जंगल की वादियों में। अच्छा, मैंने सोचा शिमला। हाँ ये सीन पूरा हो गया जी? नहीं नहीं, इस सीन से तो शुरुआत होती है फिल्म की। आगे सुनिए, आगे हीरो हीरोइन को अपनी जांघों पे सुला देता है। सुला देता है? आइए आइए मैं आपको लाइव बताता हूँ। फिर उसके बालों में प्यार से हाथ फेरता है। फिर पता है आपको, ये जो अपनी फिल्म है ना, ये रिकॉर्ड तोड़ेगी रिकॉर्ड, एक दिन में 100 मिलियन व्यू। आहा क्या नज़ारे होंगे फिल्म के। और तुम्हें जान के खुशी होगी, मैं छोटा मोटा डायरेक्टर नहीं हूँ, तुम्हें लेके मैं ऐसी हजारों फिल्में बनाऊंगा, मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ। अरे डायरेक्टर साहब, हमें भी आपकी फिल्म में काम मिलेगा क्या? तुम्हारे लिए फिल्म में कोई रोल नहीं है, मैं खुद हीरो हूं ना। तो आप मुझे विलेन का रोल ही दे दीजिए। विलेन का हमारी फिल्म में कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि हमारी फिल्म लव स्टोरी है, प्रेम गाथाएं लिखी जाती है हमारी फिल्मों में। ओहो, ये सीन के बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है? डायरेक्टर साहब कट, एक मिनट रुकिए। अरे तुम क्यों घबराने लगी? डायरेक्टर साहब मेरे पति देव। मेरा सीन देखो तुम। अरे अरे वन मिनट भाई साहब, 1 मिनट। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पति देव ये मरम्मत करते हैं? कैरी ऑन। अरे गलाबो, तू मुझे धोखा दे रही थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही थी जी, आपको पता है ना कि मुझे बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक है और मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ बहुत बड़ी, लेकिन आपने मुझे कभी बनने ही नहीं दिया हीरोइन। कहते हो नहीं, अच्छे घर की लड़कियाँ ये काम नहीं करती। अरे ओ मेरी मिश्री की डली, ओ मेरी फुलझड़ी, ओ मेरी गलाबो, अगर तेरे को एक्टिंग का इतना ही शौक है तो आज ही हम अपना खुद का चैनल बनाएंगे जलवे गलाबो के।